हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पवन सिंह के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि क्या उनकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि उनके जो सिक्योरिटी है वो कैसी है, यानी कि वो लाइव शो में जाते हैं तब उनकी सिक्योरिटी कैसी रहती है, और वे सिंपल कहीं पर बाहर जाते हैं तब भी उनकी सिक्योरिटी कैसी रहती है। सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन करके, यानी कि बढ़िया से समझाएंगे। तो अब वीडियो पे लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उनकी जो सिक्योरिटी की बात आती है, हम आपको बता दें, उनका जो सिक्योरिटी है वो ए टाइप का सिक्योरिटी है, यानी कि जब भी वे लाइव में जाते हैं तो आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, वहाँ पे पहले से ही चले जाते हैं। यानी कि इनकी सिक्योरिटी, जो इनके ब्लैक कमांडो इनको मिले रहते हैं, इनको पवन सिंह को स्पेशली ब्लैक कमांडो मिला हुआ है, क्योंकि आपके सबके चहेते पवन सिंह यादव भोजपुरी के सुपरस्टार, यानी कि डॉन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि किसी भी अपने फिल्म में थोड़ा दगंबई दिखाते हैं, यानी कि दगंबई दिखाते हैं, सॉरी गाइज, दबंगई दिखाते हैं। तो हम आपको बता दें, इनकी जो दबंगई है इसलिए इनको ए टाइप की सिक्योरिटी मिली हुई है, ताकि इनका देखभाल कर सके। सबसे पहले ये जब भी लाइव में जाते हैं तो इनसे पहले इनकी सिक्योरिटी चली जाती है, और साथ में भी कुछ सिक्योरिटी जाती है। इनसे पहले जो सिक्योरिटी जाती है वो जा कर के वहाँ पर पता कर लेती है कि वहाँ का माहौल कैसा है, साथ साथ वो पहले से ही अपने जगह चुन लेते हैं, यानी कि जहाँ पर वो जाने वाले हैं उस एरिया के छत पे जा करके या सीढ़ी पर के जा करके सिक्योरिटी उनकी रहती है बंदूक लेकर के तैनात। और जब भी कोई लाइव में आता है तो उनका चेक इन होता है, उसके बाद वहाँ से भी वह बच जाता है आदमी, तो थोड़ी सी भी वह खुरखानी करता है, यानी कि थोड़ी से भी चलाकी करता है तो उन्हें मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं इनकी सिक्योरिटी। अब बात आती है, ये अगर बिना लाइफ के भी किधर भी जाते हैं तो इनकी सिक्योरिटी कैसे रहती है। तो ये बिना लाइफ के भी जाते हैं तो इनके साथ बहुत सारे ब्लैक कमांडो चलते हैं, साथ ही साथ जो आपको फोटो में चल रहे हैं ऐसे ही टाइप के इनको ब्लैक कमांडो चलते हैं। और हम आपको बता दें, कहीं पर भी मुख्यमंत्री या मुखिया पंचायत कहीं पर भी जाते हैं तो इनके साथ, अगर महिला वाले मुख्यमंत्री या पंचायत में जाते हैं जो उनकी मुखिया महिला है, तो उनके साथ ये महिला वाली कमांडो जाती है। साथ साथ हम आपको बता दें, जो महिला वाला जाति है उन भी बहुत एक्सपर्ट रहती हैं। ये नहीं कि आप महिला समझ करके इनको कम समझें, लेकिन ये पुरुषों से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, जैसे कि अपने फ़ोटो पे देख रहे हैं, इनकी सेना यानी कि जो मिला हुआ है ट्रेनिंग, इनको बहुत हार्ड ट्रेनिंग मिला हुआ है, जिससे ये हम आपको बता दें, एक कहती हैं यानी कि जो सेना के कम हेड क्वार्टर रहते हैं, जो हेड कमांडो रहते हैं, वो बोलते हैं कि एक महिला चार चार पुरुष वाले सेना कमांडो, यानी कि सिंपल चार चार आदमी को ये मौत के घाट उतार सकती हैं, वो भी एक बार में। अब हम आपको बता दें, जो जो पवन सिंह हैं, ये खुद से अपने एक लाइव शो में बताए हुए हैं, जब इनका इंटरव्यू हो रहा था पवन सिंह का, तो ये खुद से अपने लाइव शो में बता रहे थे कि ये इनकी तरह तो आजकल कम ही पुरुष देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी तरह भी अगर चार पांच पुरुष इनके सामने आ जाए तो उनको भी इजीली ये मार सकते हैं, यानी कि उनको हरा सक करके, जैसे कि अपने फिल्म में देखा ही होंगे कितने मारते हैं लोगों को, तो उनको भी मौत के घाट ही उतार सकते हैं। पवन सिंह इतने शक्तिशाली है, साथ ही साथ आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि इनकी सेना कैसी है, यानी कि इनका जो ए टाइप का सिक्योरिटी मिला हुआ है ब्लैक कमांडो, वो कैसी है। साथ ही साथ आपको ये भी पता लग गया होगा कि इनकी सिक्योरिटी कैसी है, यानी कि बहुत टाइट है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, साथ ही आपको भोजपुरी के किसी भी वीडियो के रिलेटेड देखना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना करके दे देंगे। साथ ही साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और भोजपुरी के ऐसे ही लेटेस्ट हीरो से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर देने से यह होता है कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती है, चाहे वो खेसारी लाल यादव रिलेटेड हो, या पवन सिंह यादव से रिलेटेड हो, या किसी भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आपके पास नोटिफिकेशन 100% जाएगा, लेकिन आप बेल आइकन प्रेस कर कॉल कर दीजिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।